अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक है, खुश हैं, मज़े में। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम जा रहे हैं गाड़ी में ऑयल चेंज करवाने, उसके बाद हमें जाना है IG शूट पर भी। तो वहाँ भी आपको आज साथ ही लेकर चलते हैं। डिज़ाइनर शूट है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको साथ ही लेकर चलते हैं। और जो जो आज के दिन में हमारे साथ होता है, जो मसरूफियात हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। आप चलिए, चेंगेन मोटर्स में आ चुके हैं ये धरनों के लिए। ये मुझसे यार कल धरनों लग गई, बहुत माइनर थी लेकिन दिल इतना दुख रहा है ये मेरी गाड़ी का, लेकिन दिल इतना दुख रहा है यार, न्यू गाड़ी है ना। ओके जी, गाड़ी का काम खत्म हो गया, अब जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अब शेव करवा लूँ यार, ये बहुत बड़ी और जाना है, तो मैंने सोचा अभी करवा लूँ, फिर बार बार कौन निकले। ओए होए, अभी लगती बचत हो गई, गाड़ी चलाना भूल रहा हूँ, रोड बहुत बुरे हो रहे हैं भाई। हाँ तो दोस्तों, शेव करवा लिए, थोड़ी सी करवाई है क्योंकि ड्रामे की शूट कुछ दिन बाद है, तो मैंने बोला अभी थोड़ा सा लुक चेंज रखें। जब ड्रामे की शूट होगी तो बिल्कुल ही क्लीन करना पड़ता है वो, क्योंकि करेक्टर ऐसा मेरा बना हुआ है, तो वो फिर तब करवा लूँगा। भाई इतनी देर क्यों आ रहा है यार, मैंने कुछ किया है क्या, इतना तेज कहाँ भागेगा ये, अच्छा कहाँ जाएगा ये, जाएगा कहाँ, अच्छा नहीं रुक गया ना, है रुक गया ना, चलिए अब घर चलते हैं। अच्छा ओके, सो गाइस डाडा जा रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी, बाय। शादी में, मेरे कजन की शादी है पिंडी में, डाडा वहाँ जा रहे हैं, मैं डाडा को छोड़ने आया था, अब मैं निकल रहा हूँ अपनी शूट पर। अल्लाह हाफिज़ डाडा, सही है, बाय बाय। बॉस आज एयरपोर्ट पे ऐसा रश है जैसे लग रहा है कोई नॉर्मल रोड है जहाँ पर आगे हम लोग फंसे हुए एक ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा रश है आज। और आज टिकट वगैरह बहुत महंगे हैं इस्लामाबाद के भी, ये देखें, ऐसा लग रहा है हम लोग निकले हुए कोई दुबई उबई के लिए, इतने महंगे टिकट किए हुए, इतनी ज़्यादा रश हुआ हुआ है, पता नहीं फ्री में कुछ बट रहा है क्या इस्लामाबाद में, क्या चल रहा है सीन बॉस। यार मैं चलता हूँ शूट पे, शोर मचाते हुए प्रोटोकॉल जा रहे हैं, सबको परेशान करते हुए, ये देखें जबरदस्त बैगन। ओके सो गाइस, लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और लोकेशन पे पहुंचने के साथ पठान की चाय पी रहा हूं, जब तक तैयारी चल रही है, लाइट वगैरह हो रही है, मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनको मेरा मेकअप करेंगे, उनका वेट हो रहा है, वो कहां पर है रास्ते में, शायद मैं वक्त से पहले पहुंच गया, मुझे लगा था उन्हें टाइम लगेगा, लेकिन आज शायद किसी की रैली निकल रही थी, मैंने वीडियो में भी लिया है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड साफ मिले। अब रीज़न तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा था एक घंटे का रास्ता है, तकरीबन मैं 25 मिनट में पहुंच गया था शायद, एक घंटे का समझकर सोचकर। खैर PTI का भी शायद आज कुछ है, भाई बता रहे थे यहाँ पे स्टूडियो में होते हैं, उन्होंने मुझे बताया। खैर मैं चाय इन्जॉय करता हूँ और आप मेरी वीडियो इन्जॉय करें। सो गाइस, मेकअप शुरू हो चुका है, सिल्वेस्टर कर रहे हैं, उसके बाद रेडी हो गया, आपसे मिलते हैं। ओके सो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, ये मेरा ड्रेस है। गाइस ये सेट है, यहाँ पिक्चर्स हो रही हैं। हाँ बॉस, पंखा चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये मेरा तीसरा शर्ट, तीसरा है ना, थर्ड है ना, यस हाँ थर्ड है, इन्होंने तैयार किया मुझे, कैसा किया आप लोग कमेंट में बताइएगा। सो बॉस, ये ब्लैक भी मैंने पहन लिया है और ये आर्टिस्ट ड्रेस है, और ये देखें इसका कोट अभी पहनूंगा, बहुत आला है यार, मैं तो अपने आप को बहुत पसंद कर रहा हूँ, मुझे खुद से मोहब्बत होती जा रही है। सो गाइस, अब ये वाला ड्रेस पहना है, ये आप देखें कितना प्यारा, हाई चेक करें, ड्रेस नंबर
ये फिफ्थ है ना? मुझे तो आज ऐसा फील हो रहा है मैं दुल्हा हूँ। बहुत प्यारा है ये माशाल्लाह से, वैसे सभी प्यारे हैं लेकिन ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। सो गाइस, ड्रेस पे ड्रेस चेंज किए जा रहे हैं और बहुत 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 मज़ा आ रहा है काम करने में, लेकिन इसके बगैर मज़ा नहीं आता। इसके बगैर मज़ा बिल्कुल जो है ना फीका हो जाता है जब चाय ना हो तो। और चाय मैंने मंगाई है अपनी गुड़ वाली, तो अब चाय पीऊँगा, फिर से फ्रेश हो जाऊँगा और फिर से काम करना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मुझे आ रही है नींद। मेरी आँखें आप देख सकते हैं, ये नहीं दिख रही है, दिख तो रही होगी आप लोग, जानते हैं, रोज़ देखते हैं, आपको पता होगा हम सबको कब नींद आती है और कब नहीं आती। कि पंखे की आवाज़ अगर आप लोग कम करिए तो उसके लिए मैं सॉरी आपसे चाहूँगा, माजरा चाहूँगा, इनकी वजह से खुली हुई है जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बहुत गर्मी लगती है तो इनकी वजह से पंखा खुला हुआ है। मैं तो बिल्कुल शरीफ सा सीधा सादा सा गर्मी में बैठ जाता हूँ, आपको पता है। तो भाई चाय पीते हैं हम। सो गाइस, अब जा रहा हूँ वापस शूट करवाने, ये ड्रेस है, उसका कोट जो है वो ये है। मोबाइल चार्ज पे लगवाऊँ यार, चार्जिंग ख़त्म हो गई है, क्या चार्ज करिएगा इसको। ओके सो बॉस, ये है और इन साहब का कोट ये है, फिर ये है और फिर एक और है। टोटल 10 ड्रेसेस हैं और 6 बच्चों के हैं। मुझे एक और जगह भी जाना था अभी, हाँ 6 बच्चे 2 मिनट हो गए, मुझे एक और जगह जाना था अभी, वहाँ जाऊँगा यहाँ से फ्री होकर, देखते हैं यहाँ से कितने बजे फ्री होते। कार्ड पूरा फुल हो चुका है। चले भाई अब बारी है खाना खाने की, बिस्मिल्लाह। तो गाइस पता भी लगा और 10 ड्रेसेस होने वाले हैं और ये कलर देखें, चेक करें, बस लास्ट बचा है वो ग्रे, डार्क ग्रे, और वो करके फिर हमारी छुट्टी। ओके सो बॉस, लास्ट ड्रेस है ये करके आपका भाई भागेगा नींद में, आंखें हो रही हैं, हाँ घर भागूंगा, घर याद आ रहा है यार, बात थोड़े ज्यादा चिपक गया मुझे लग रहा है। हाँ तो गाइस, बहुत ज्यादा आज काम करने के बाद थकने के बाद घर के लिए हम निकल चुके थे और अब हम पहुंच गए हैं घर के बहुत करीब। मैं हो रहा हूँ बहुत ज्यादा नींद में, इसलिए मैंने ब्लॉग रास्ते में नहीं बनाया। नींद से ज्यादा मैं इस वक्त जो है ना नशे में लग रहा हूँ, खुद को करता नहीं हूँ लेकिन खुद को लग रहा हूँ। खैर गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ऐसे पसंद करते रहेगा, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है बहुत जल्द। तब तक के लिए भाई को इजाजत दे, बाय।